दोस्तों कहीं आपका पैन कार्ड इनएक्टिव तो नहीं हो गया है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में कि पैन कार्ड आप इनऑपरेटिव तो नहीं हो गया है, क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट थी वो 30 जून थी और आज 3 जुलाई हो चुकी है। ऐसे में बहुत से पैन कार्ड धारक हैं जिनके पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या डिलीट हो चुका है। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव, इसको चेक करने के लिए आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको वेबसाइट पर चले जाना है, ई फिलिंग। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पर साइड में बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, ई वेरीफाई, रिटर्न लिंक, आधार स्टेटस लिंक, आधार, वेरीफाई योर पैन। तो सिंपल सा आपको वेरीफाई योर पैन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको अपना फुल नेम डाल देना है जैसा आपका पैन कार्ड पर है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो कि आपके आधार कार्ड पर पड़ी हुई है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आया है बस उसको सिंपल सा आपको एंटर कर देना है और आपको बस वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन। इसका मतलब ये है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है और आपका पैन कार्ड बिल्कुल सही है, आपका पैन आधार से लिंक है। और अगर यहाँ पर पैन इज एक्टिव लिख के आता है, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर नॉट मैच, इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड तो एक्टिव है पर आपकी डिटेल्स मिसमैच है, जिससे आपका पैन डीएक्टिवेट होने की पूरी आशंका है। तो फ्यूचर में आपका पैन डीएक्टिवेट भी हो सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है उसकी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको देखकर आप इजीली स्टेप बाय स्टेप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहती हैं आपको।